सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुबिंदा दी ब्लॉग। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और इस सुबह के मेरे थोड़े बहुत काम खत्म भी हो चुके हैं, जैसे कि बिस्तर उस्तर ठीक करना, झाड़ू करना पोछा नहीं की हूँ। तो वो सब करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन, और किचन की कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो आज ना मुझे बहुत सारा काम है, तो आज 20 जून आज है रथ यात्रा, तो इस कारण से मुझे बहुत सारा काम है आज। तो घर का सब काम अकेले करना पड़ रहा है ना, तो मम्मी भी दीदी के घर गई है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं एक बार साबुन से पोछा लगाने के बाद फिर पानी से पोछ रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमंता के ब्लॉग। तो गाइस, मुझे इतनी हड़बड़ी हो रही है ना कि क्या ही बोलूँ। अभी बज रहे हैं 10:30 होने वाले, और मैंने अभी तक पूजा नहीं किया है। और ना आज मुझे इतना सारा कुछ बनाना है, खिचड़ी बनाना है, सब्जी वगैरह बनाना है, मतलब निरामिष सब्जी बनाना है, क्योंकि आज जगन्नाथ जी का यात्रा, तो आज उनको भोग लगाना है। और मैं अकेले घर पर, मम्मी भी नहीं है ना, तो अकेली हो जा रही हूँ। तो फटाफट से घर का काम ख़त्म करते करते ना साफ सफाई भी करनी रहती है, लिपाई वपाई करते देर हो गया। तो चलिए मैं फटाफट से खीर बिठा लेती हूँ, फिर एक तरफ खिचड़ी बनाऊँगी, फिर सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम। शूट करूँगी नहीं करूँगी उतना मुझे ठीक से नहीं पता, बट देखती हूँ अगर कर पाऊँगी तो करूँगी। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये मेरा खीर बन रहा है, और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रखे, तो पोटल को मैं ऐसे फ्राई करूँगी। और ये खिचड़ी के लिए सब्ज़ी और भात करेला आलू काट के रखी हूँ, तो उसको फ्राई करूँगी और पोटल का भाजा बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं बनाना स्टार्ट करी, तो मैं पोटल को अच्छे से मतलब हल्दी नमक और बेसन देके फ्राई कर लूँगी। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पूजा करना हो चुका है। और वहाँ पे ना जगन्नाथ जी के वहाँ पे मतलब भोग लगाने के लिए ऐसे कुछ रखने के लिए सिस्टम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मंदिर पे रख दिया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने खीर रखा है, खिचड़ी, पोटल फ्राई और भात करेला आलू फ्राई और आम, काजू, किशमिश, आलमंड बादाम और मिठाई रख दी है। तो इतना ही मैं बना सकी जितना की हूँ। फ्रेंड्स, मेरा पूजा करना हो गया है और इतनी जल्दी जल्दी में किया ना मैंने, उतने ठीक से सूट नहीं किया, तो जितना कर पाई उतना किया। तो अभी बज रहा है 12 बज चुके हैं, ठीक। अभी मैं निकल रही हूँ पूजा घर से, तो अभी मैं जाऊँगी नाश्ता क्या है कि पर लंच ही कर लूँगी पापा और मैं। तो फ्रेंड्स, आपके साथ एक बात भी शेयर करनी थी मुझे। तो बात ये है ना कि मेरे दीदी के ससुर जी अब नहीं रहे। बहुत बुरा लगता है सुन के, क्योंकि ऐसे कोई सिचुएशन ऐसे कुछ भी नहीं था कि वो उनको देख के कोई बोल ही नहीं पाता कि ऐसे हो सकता था उनके साथ। बट फिर भी पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो जीजा लोग गए थे, आपको तो पता ही है, दीदी के व्लॉग में उन्होंने डाला था कि 10 तारीख को गए थे, भेलोर लेके गए थे उनको इलाज के लिए, क्योंकि उनके पैर पे कुछ घाव टाइप हो गया था, तो उसको ठीक नहीं हो रहा था। दीपिका पे भी दिखाए थे, ठीक नहीं हुआ, तो भेलोर लेके गए। तो उतना बात किया, 7:30 को मैं फ़ोन रखी, उसके बाद जाके खाना वाना डिनर विनर किया। उसके बाद 9:30 को भाई का वापस फ़ोन आया मुझे, उसी दिन को संडे को 18 जून को फ़ोन आया, तो भाई बोल रहे कि अंकल का सांस ही नहीं चल रहा, सांस ही नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे हो गया, तो बोला कि पता नहीं, अभी जीजा गए हैं ऑटो वोटो लेने के लिए, तो लेके आएंगे तो हम लोग जाएंगे फटाफट से। तो मम्मी ने फ़ोन पे बात की थी जीजा से कि अभी जाने वाले को कोई रोक तो नहीं सकता है, बट हम लोग हैं साथ, हमेशा साथ रहेंगे, ऐसे बोल करके बात की मम्मी ने, उनको थोड़ा तसल्ली दी। फिर भी इतने दूर जा करके ऐसे हो गए, कुछ मतलब ऐसे कुछ कर नहीं पाए, वो किसी को देख नहीं पाए, कोई उनको अंकल को देख नहीं पाया। तो वही बात है, बस अच्छा नहीं लगता। वही तो वही न्यूज़ आप सबको बतानी थी, तो यही है। और मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये भी मैं प्रार्थना करूँगी उन मतलब भगवान जी से, कि जहाँ पे भी होंगे अच्छे से हों और उनकी आत्मा को शांति मिले। बस तो चलिए, मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।